मेथी के लड्डू। सर्दियों में खाने से शरीर पूरे साल स्वस्थ रहता है, यानी इसका असर पूरे साल रहता है, इसलिए अधिक उम्र के लोग हर साल इसका नियमित सेवन करते हैं। इससे गठिया, हड्डियों का दर्द, पेट की समस्या, जोड़ों का दर्द आदि में काफी राहत मिलती है। यह सर्दियों में शरीर को गर्मी देता है। इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो जैविक होते हैं। इसे सुबह जल्दी लेना होता है। इसे खाने से आपको भरपूर कैलोरी मिलती है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती, जिससे खाने पर कंट्रोल रहता है। आयुर्वेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मेथी के लड्डू, एक प्रकार की मिठाई, का सेवन बहुत फायदेमंद माना जाता है। बता दें कि मेथी की तासीर बहुत गर्म होती है, ऐसे में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा सर्दियों में किया जाता है। मेथी के लड्डू, एक प्रकार की मिठाई, एक पारंपरिक व्यंजन है जिसका उपयोग मिठाई के रूप में कम बल्कि औषधीय रूप में अधिक किया जाता है। इसका उपयोग प्रसव के बाद माँ को खिलाने के लिए या सर्दियों में पीठ या जोड़ों के दर्द की दवा के रूप में किया जाता है। मेथी कड़वी होती है और पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है। इस पौधे की हरी पत्तियों वाली सब्जी खाने से पेट साफ होता है। सर्दियों में गोंद और मेथी, एक प्रकार की मिठाई, के लड्डू बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। इन लड्डुओं को खाने से शरीर को गर्मी और ऊर्जा मिलने के साथ साथ हर तरह की दर्द की समस्या भी दूर हो जाती है। आमतौर पर इसे सर्दियों में ही खाया जाता है, इसलिए 40 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसका सेवन करना चाहिए। वीडियो में जैसे जैसे बताया गया है आप उसी अनुरूप बना सकते हैं। इसमें मेथी दाना, आटा, शुद्ध घी, ड्राई फ्रूट्स, देशी गोंद, गुड़, खोपरा, मखाना, इलायची आदि सामग्री की जरूरत रहती है।